एनीवेज कुकिंग चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंगो क्रीम कस्टर्ड। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंगो क्रीम कस्टर्ड बनाने के लिए हमको चाहिए ये 1 kg मिल्क का। मैंने पहले से मैंगो कस्टर्ड प्रिपेयर करके रखा था, आप लोग जिस तरह से भी कस्टर्ड बनाते हैं आप लोग उसी तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 200 ml व्हिपिंग क्रीम, अभी आप लोग देख सकते हैं रेड, ऑरेंज और येलो जेली को मैंने पहले से प्रिपेयर करके उनके पीसेस करके उनको एक साथ मिक्स करके रख लिया था। यह है 1 teaspoon शुगर, ये व्हिपिंग क्रीम में यूज होगी। 2 अदद बनाना, इनको मैंने बारीक कट कर लिया। 1 can फ्रूट कॉकटेल का, 2 tablespoon मैंगो प्योरी। अच्छा जी, अब ये आप लोग देख सकते हैं इस डिश के अंदर मुझे कस्टर्ड को डेकोरेट करना है, तो मैंने 1 packet जेली को प्रिपेयर करके इसी डिश के अंदर जमने को रख दिया था और ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो चुकी है, ये आप लोग देख लें। अब ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 200 ml व्हिपिंग क्रीम थी, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 teaspoon शुगर। अब मैं क्रीम को बीट करूंगी स्टिफ पीक्स फॉर्म होने तक। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है, यह आप लोग देख सकते हैं क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 tablespoon मैंगो प्योरी। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने मैंगो क्रीम को इस पाइपिंग बॉटल के अंदर फिल कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब ये जो मैंने पहले से जेली जमा के रखी थी, अब मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी इस तरह से लेयर्स लगा दूंगी। अब ये आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 layer क्रीम की इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। ये जो बनाना मैंने पहले से कट करके रखे थे इसको मैं इस क्रीम के ऊपर लगा दूंगी इस तरह से करके, एक एक पीस उठा उठा के इस तरह से क्रीम के ऊपर लगा दूंगी। अब ये आप लोग देख सकते हैं मैंने बनाना को क्रीम के ऊपर लगा दिया है। अच्छा जी, अब ये जो कस्टर्ड मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, ये जो थोड़ी सी मैंगो क्रीम बच गई थी ये चली जाएगी इस कस्टर्ड के अंदर। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ये आप लोग देख सकते हैं क्रीम और कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं ये फ्रूट कॉकटेल इसमें ऐड कर दूंगी और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ये जो मैंने जेली पहले से जमा के रखी थी रेड, ऑरेंज और येलो कलर की, अब ये चली जाएगी कस्टर्ड में। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी जेली मैंने इसमें और ऐड की थी, ये देखें ये सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी मैंगो कस्टर्ड की इस तरह से करके।
जी व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कस्टर्ड की भी लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब ये जो मेरे पास मैंगो क्रीम बच गई थी, इससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। बस इस तरह से करके हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंगो क्रीम कस्टर्ड बनके बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।